मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूं। हम एक वर्कशॉप करेंगे, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन पर चल के हम अपने बच्चों को रूहानी तरक्की में बढ़ा सकते हैं। समझ लग गई आपको? अपना ग्रुप नंबर लिखें, क्वेश्चन लिखें और उस पर बहस करके सिर्फ आपने 5 पॉइंट लिखने। हमारे बच्चे रूहानी है। अभी एक चर्च में अभी एक एग्जांपल हुई, एक साइन दिखाया गया आपको। एक बच्ची जिसने बाइबल अभी नहीं की थी, उसने क्या किया, अपनी बाइबल भाई को दे दी। इट मीन के आपके बच्चे स्पिरिचुअली दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के बारे में फिक्र करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे स्पिरिचुअल है। इस तरह की आपने बातें लिखी है जो आपको पता चलता है कि आपके बच्चों में है। हर ग्रुप लिखेगा वो कौन सी ऐसी बातें, वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जो आपको रूहानी तरक्की में बढ़ने के लिए आपकी मदद कर सकते मैम आप नहीं आए? सॉरी वो सारे बड़े बैठे थे, प्लीज आप ही आए आए प्लीज। मैंने अभी आपको देखा, वो मेरे मुझे पता नहीं चला, मैं पीछे वो क्या वो आंटियां बैठी हैं। आपने इसे एक्सप्लेन करा। चलिए जी, आपके पास 1 मिनट है, बल्कि सेकंड ग्रुप को नाम देंगे जो अब उठेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट नीचे बैठे हैं, मैं प्लीज वो जल्दी से खड़े हो जाएं और सामने आ जाएं, दो लोग सामने आएंगे। पॉइंट मिलकर लिखे हैं, वो पहला पॉइंट ये है कि मसीह की मानस बनना, यानी कि हमारे अंदर हमेशा ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमने मसीह की तरह चलना है, जिस तरह कलाम में लिखा है कि तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम आसमानी खुदा के बच्चे हो। तो दूसरा पॉइंट जो है ईमान की मजबूती, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि हमारा तवक्कुल खुदा पर होना चाहिए, और चाहे जो मर्जी हमें कोई कुछ कहे, झूठे नबी आए या कोई भी तरह तरह की बातें हों, पर हमारा ईमान मजबूत हो और हम अपने खुदा पर यकीन रखें। और तीसरा पॉइंट जो हमने लिखा है वो ये है कि ना सिर्फ हमने रूहानी तरक्की है, ना कि सिर्फ हम खुद बदल गए हैं, हम जान गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमने दूसरों को भी बचाना है, दूसरों के भी बारे में सोचना है, उस दरख्त की मानिंद बनना है जो खुद तो दूर में रहता है और दूसरों को छाम देता है। इस तरह चौथा पॉइंट जो हमने लिखा है अबलीस पर फतह पाना, यानी कि अबलीस हर वक्त ऐसी मनसूबे बनाता है जो हमें फेल करने के लिए होते हैं, पर हमने उसके हर मनसूबे पर गालिब आना है। इसी से हम पहचान सकते हैं कि हम रूहानी फतह है, यानी कि जिस तरह गलतियों में लिखा है कि रूह में मुआफिक चलो तो जिस्म के कामों को पूरा नहीं कर सकोगे। पांचवें नंबर पर हमने लिखा है कि रूह कुदस की रहनुमाई में चलना, यानी कि उस खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में चलना, उसकी आवाज़ सुनकर चलना, यह है रूहानी तरक्की हमारे नज़दीक। ग्रुप नंबर 1 ने अच्छे तरीके से लिखा है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जी हमारे पास जो टॉपिक था कि हम दोनों के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है, तो हम कब से ना यही बहस कर रहे हैं कौन बोलेगा। पहले तक से ये दस लगे, मैंने कहा दो आओ दो तीन में हो, पर प्लीज थोड़ा सा
यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चों में स्पिरिचुअली के जो रूह है उनमें निशानात कैसे होते हैं, यानी कि उनके नामात क्या होने चाहिए, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये स्पिरिचुअली बच्चे हैं। तो उनमें पहली जो हमारे पास पॉइंट है वो बच्चों के चाल चलन, यानी कि अगर हम देखें जो स्पिरिचुअली बच्चे होते हैं उनके नेक जो चाल चलन होता है अच्छा ना चाल चलन, यानी कि वो अच्छे अंदाज से बोलते हैं अच्छे अंदाज से चलते हैं, क्योंकि मतलब के पाखा में भी लिखा है कि तुम्हारे नेक चाल चलन को देखकर लोग किसकी तमजीद करें, तुम्हारे बाप की। तो जब नेक चाल चलन होता है तब खुदा उनको इज्जत और जलाल मिलता है। तो इसमें ये बताया गया कि जो स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं उनका नेक चाल चलन होना चाहिए, उनके अच्छे यानी कि बुरे कामों से परहेज और उनके अच्छे कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है बच्चों के बोल चाल, यानी कि अगर बच्चों का बोलचाल अच्छा होगा तो हर कोई उनको जानेगा कि वाकई ये मसीह के लोग हैं, ये मसीह को मानने वाले लोग हैं, ये स्पिरिचुअली बच्चे हैं। अगर आप देखें बाद दफा हम कोई भी बुरी लैंग्वेज या बुरी जबान यूज करते हैं तो लोग हमें दूर से पहचान लेते हैं यार ये पता नहीं कैसा बच्चा है। अगर अच्छा चाचन होगा तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और सबसे बढ़कर खुदा की तमजीद करेंगे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा अच्छे चाचन की वजह से। और तीसरे नंबर पे है खिदमत करने का जज्बा अगर मुंह पे होगा, क्योंकि जो अपने लिए तो सब जीता है लेकिन अफजल है वो जो दूसरों के लिए जीता है। तो सोसाइटी में जो अच्छे काम होते हैं, अगर किसी के घर गुर्बत है, अगर कोई अपने मिसाइल का शिकार है, अगर किसी को समझ नहीं लग रही मैं क्या करूँ, तो ऐसे काम करने से कि जिससे खिदमत का जज्बा पैदा हो। और चौथे नंबर पर है कि वो उनका जो चर्च है उनकी बदौलत तरक्की करे, यानी कि ऐसे हमने कल भी इस बात को डिस्कस किया कि नई नई मशीन पढ़नी है, जो लोग बिदत फैला रहे हैं और हमें खुदा के कादम ने बड़े अच्छे तरीके से बिदत की पहचान का तरीका बताया कि जो तीन ट्रिनिटी डाइट के जो तीन मयार हैं उसको आपके सामने रखते हुए जो है ना ऐसे आपको पता चलेगा कि ये बिदत फैलाने वाले लोग नहीं है, चर्च नहीं है, बल्कि जो खुदा के लोग होते हैं उनसे पता चल जाता है कि ये एक कायद को एक हवाले को लेकर नहीं चल रहे बल्कि ये पूरे पाक कलाम पर जो है अमल करने वाले लोग हैं और ये खुदा के कलाम को आगे फैला रहे हैं, ना कि अपने नाम को अपने चर्च के अपने मिनिस्ट्री के। और पांचवें नंबर पे है खिदमत का वो काम जो मसीह ने दिया इसका बोझ रखने से और इसको करने से, क्योंकि खुदा मसीह ने हम सबको हर मोमेंट को एक ही काम दिया है और वो क्या काम है, वो ये काम है अंजील की खुशखबरी दूसरों तक पहुँचाना। और ये अंजील की खुशखबरी वो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं जिसने खुद खुशी को देखा हो, जैसे अभी हमने ईस्टर के दिन हमारे पास रिसेंटली गुजरे हैं और इसमें हमने ये देखा है कि और हम ईमान रखते हैं कि जो उस वक्त रसूल थे जो शरीर थे जो यीशु मसीह के साथ रहे थे उन्होंने जब उसको देखा था तो तब उनको उस तजर्बे में से गुजरे थे, तो वही जो है अच्छे तौर पर उस काम को कर सके थे और उन्होंने भी मसीह की तरह जो है वो सलीबे ली और इस तरह से दुख उठाए। तो ये बोझ ये जो काम जो है ये हमें दिया गया है जो मसीह का मसीह में होते हैं इस बोझ को पहचानते हैं और इस इंजील की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने का जो है वो जज्बा उनके अंदर है। वेरी गुड, बहुत ही बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि ऐसे कौन से पांच रास्ते हैं जिन पर चलकर हम बच्चों को रूहानी बना सकते हैं। हम पांच लिखे हैं, मैं आपके साथ सामने एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो पॉइंट हमने लिखा है संडे स्कूल के जरिए से, जो संडे स्कूल जो ये एक बेहतरीन रूहानी दरसगाह है बच्चों के लिए। जो बच्चे संडे स्कूल में जाते हैं खुदा का कलाम सीखते हैं तो वो रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, इसलिए हमारे ग्रुप का ख्याल है कि संडे स्कूल बेहतरीन है उनको रूहानी बनाने के लिए। खानदानी इबादत, जिस घर में हर रोज खानदानी इबादत होती है दुआ होती है तो बच्चे अपने माँ बाप से बहन भाइयों से वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं कि हमारा फैमिली का माहौल कैसा है, इस तरह से भी वो रूहानियत में आगे बढ़ते हैं और वो सारे जो उसमें सलाहियतें होती हैं अच्छी वाली वो उबर कर बाहर आती हैं। इसलिए फैमिली की जो प्रेयर होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बच्चे सीखते हैं।
बच्चों के सेमिनार जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, वो कंपटीशन में टैबलो तैयार करके आते हैं, आयात तैयार करके आते हैं, हवाला जात तैयार करके आते हैं, जुबानी उनको सुनाने का मौका मिलता है क्योंकि उनको कंपटीशन के लिए बुलाया जाता है। वो सेमिनार जो मुनक्कद किए जाते हैं और वो पीछे से खुदा के कलाम की तैयारी करके आते हैं, जो वो उस वक्त सीखते हैं वो उनको उम्र भर याद रहता है और कभी बूढ़े होकर भी वो उसे नहीं भूलते, इसलिए उनके अंदर जहनों में और दिल में वो कलाम जो है ना उसकी तस्वीर रह जाती है। जुबानी बाइबल के हवाला जात यानी बच्चों को ये टास्क दिया जाता है कि आपने ये हवाला जुबानी याद करना है, जैसे संडे स्कूल में होता है तो वो बच्चे जुबानी भी याद करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी असरअंदाज होते हैं। ठीक है, खेल खेल में शरुण भाई ने भी हमें यही हमें सिखाया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। खेल दो तरह के होते हैं, ये नहीं है कि संडे स्कूल में आए और बच्चों हमारी एक एक्टिविटी है कि आओ क्रिकेट खेले, नहीं ये खेल नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि एक 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 बास्केट ले, उसमें कुछ वर्षियाँ लिखे, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें लिखे, कुछ बुरी चीज़ें लिखे, ठीक है। दो हॉट बनाए, जैसे पहले भी हमने बनाए थे, एक को बिल्कुल ब्लैक बनाए, एक को रेड बनाए, और उसको बच्चे को बोलो इसमें से पर्ची निकालो कौन सी चीज़ निकलेगी, इसमें लिखा है लड़ाई तो आप किस हॉट में डालोगे, तो वो जो ब्लैक वाला है उसमें डालेगा, तो जो एक में पर्ची निकालेगा उसमें क्या है मोहब्बत, वो मोहब्बत किस हॉट में होनी चाहिए, वो अच्छे वाले हॉट में होनी चाहिए। तो वो इस बात से खेल खेल से भी सीखेगा कि अच्छी बातें कौन सी हैं और बुरी बातें कौन सी हैं, ये उसके स्पिरिचुअल बनने का बेहतरीन तरीके है। ये जो तमाम ग्रुप के जरिए से टीम वर्क के जरिए से हम काम को सीखते हैं उसका मेन मकसद होता है। अब जब मैं लिख रही हूँ तो मेरे पास अभी एक जहन है, मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगी, लेकिन आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं आप लोगों के पास अपना एक माइंड है, आप उसी बात को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। अभी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैंने नहीं लिखी लेकिन आप लोगों ने उसको बयान किया इस तरह से। हमारे पास जब ये लेक्चर खत्म होगा तो बहुत सारा डाटा होगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। खुदावंद इन तमाम बातों से आप सबको बरकत दे और आप इन अलामात को अपनी जिंदगी में रखें और बच्चों में ढूंढें कि क्या हमारे बच्चे रूहानी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप इन 10 बातों पर और जो सर शरूर ने आपको सिखाई उन बातों पर अमल करें तो आई एम श्योर कि आपके बच्चे जो है वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।